पूर्णिया नगर निगम के नए वार्ड के गठन के एक साल पूरे होने पर शहरवासियों को तीन बड़ी सौगातें मिली है। इस मौके पर शहर में ग्रीन जोन पार्क, ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरा का उद्घाटन किया गया। मौके पर नगर निगम के महापौर विभा कुमारी ने कहा कि लंबे समय से शहरवासियों की तीन डिमांड थी, जिन्हें पूरा कर लिया गया है। ये कदम पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर शहर के अशोक सम्राट भवन में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित इस समारोह के मौके पर मेयर विभा कुमारी, नगर आयुक्त आरिफ अहसन और डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता के हाथों सम्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस बाबत नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने कहा कि इस एक साल में पूर्णिया नगर निगम में 104 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। इसके अलावा 87 करोड़ की लागत से स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। वहीं शहर में कई ग्रीन जोन पार्क, ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे का भी उद्घाटन किया गया। शहर जल्द स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में साफ सफाई में सभी मिलकर अपना योगदान दें। वहीं डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता ने कहा कि शहर के इन पॉइंट से लेकर आउट पॉइंट तक पूरी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में पूर्णिया में बढ़ते अपराध पर और कई गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद होगी। ये कैमरे शहर के इन पॉइंट से लेकर आउट पॉइंट तक पूरी निगरानी रखेंगे। पूर्णिया के मुख्य चौक चौराहे आरएन शाह, गिरजा चौक, थाना चौक, फ्रॉड कंपनी चौक, टैक्सी स्टैंड चौक व अन्य मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वही कैमरे की खासियत ये है कि ये दिन और रात में फुल एचडी के साथ हाई कैपेसिटी में चलेंगे और ये साफ साफ तस्वीरें कैमरे में कैप्चर होगी। मैडम, ट्रैफिक लाइट और कैमरा लगाया है, कितने कैमरा लगाया गया? देखिए, आज शहर में लगभग 172 जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जो कि हमारे पूर्णिया नगर निगम के लिए यह एक ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ किया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे शहर में जो भी क्राइम होते हैं उस पर नियंत्रण रखा जाएगा, चाहे जो वो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हो उनका एक प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज में कैद रहेगा। चाहे किसी की बाइक चोरी हो जाती है, चैन छीन कर ले जाते हैं, तमाम तरह की जो घटना को घटना होती रहती है, वो सबको हमारे जो अपराधी होंगे वो सबको पकड़ने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जिसमें हमारे पूर्णिया नगर निगम की जो भी कार्यशैली है वो बहुत ही आगे रह रही है। आज देख रहे हैं कि हम लोग 172 जगह पे आज सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जिसको हमारे जिस इसमें इस हमारी पूर्णिया क्राइम फ्री पूर्णिया बने। ठीक सर, शहर में कैमरा लगा है और इसके अलावा ट्रैफिक लाइट भी सब जगह लगा है, क्या इससे फायदा होगा? आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए लगभग 172 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि बुलेट कैमरा जो यूनिडायरेक्शनल होता है वो, पीटीजेड जो 360 डिग्री होता है, और उसके बाद एएनपीआर कैमरा भी लगाए जाने विद ड्यू परमिशन। इसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा क्राइम कंट्रोल से लेके ट्रैफिक का रेगुलेशन और उसके अलावा भी जो सुव्यवस्थित पूरा सारा कुछ होना चाहिए शहर में, उसको बहुत अच्छे से यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा। कोई प्रोसेसन है या कुछ भी है तो वो सारा का सारा चीज़ मॉनिटर हो सकता है। उसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि जोन सिस्टम में बांटा गया है पूरे शहर को, तो हर जोन के लिए जो है अलग से यहाँ पे लोग भी रहेंगे जो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा जूम पूरा किया जा सकता है, जूम करके भी जो है देखा जा सकता है, और साउंड सिस्टम भी है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। और इनफैक्ट इसमें एआई एनेबल्ड भी दिख रहा है कैमरा, आप देखेंगे कि वो जो है उसमें स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि ये और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो आरसीडी के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट की कमी थी वो भी बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि विद इन वन मंथ जो है वो भी हो जाएगा। तो एक जो मॉडर्न सिटी के रूप में आउटलुक होता है वो पूर्णिया का दिखेगा। अपराध भी कंट्रोल होगा? बिल्कुल, एसपी साहब यहाँ हैं, बताएंगे। बहुत बहुत बड़ा दिन है आज पूर्णिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और मैं देख के इसको अभिभूत हूँ। बहुत पहले से मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ये हो जाता है तो पूर्णिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और जो सबसे बड़ा हम प्रभावित हैं छोटे क्राइम से, जो चेन स्नैचिंग की क्राइम है, बाइक चोरी की क्राइम है,
वो हमको लगता है कि अब इस पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। थैंक यू। इसके अलावा जो ट्रैफिक चालान वगैरह होता है क्या वो भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रैफिक चालान को भी हम लोग ANR कैमरे के बाद इसी पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि सुव्यवस्थित हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, कहना नहीं पड़े। जैसे अभी हमारे मेट्रो सिटीज़ में होता है तो वो उस पर हम लोग कम्पीट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया बहुत अच्छा करेगा। दिन है आज पूर्णिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और मैं देख के इसको अभिभूत हूँ। बहुत पहले से मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ये हो जाता है तो पूर्णिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे बड़ा हम प्रभावित हैं एक छोटे क्राइम से, जो चेन स्नैचिंग की क्राइम है, बाइक चोरी की क्राइम है, वो हमको लगता है कि अब इस पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। थैंक यू। इसके अलावा जो ट्रैफिक चालान वगैरह होते हैं क्या वो भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रैफिक चालान को भी हम लोग ANR कैमरे के बाद इसी पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि व्यवस्थित हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, कहना नहीं पड़े। जैसे अभी हमारे मेट्रो सिटीज में होता है तो वो उस पर हम लोग कम्पीट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया बहुत अच्छा करेगा।